शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के साथ सांसद सुरेश कश्यप ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को इस अधिनियम से जुड़ी जानकारियां दी और जन जन तक पहुँचाने का आग्रह किया। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के साथ सांसद सुरेश कश्यप ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को इस अधिनियम से जुड़ी जानकारियां दी गई जिन्हें जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया गया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस वामपंथी दल और आप पार्टी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाने का कार्य कर रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार कर देश में एक असंतोष का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते देश के युवा पथ भ्रष्ट होकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक दल इस अधिनियम की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो शर्मनाक बात है। इस भ्रामक अफवाहों से बचना चाहिए और जो पथ भ्रष्ट हुए हैं उन्हें वास्तविकता से परिचय करवाने की आवश्यकता है, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहा है। जो कि हमारे विपक्ष के मित्र वामपंथी लोग, कांग्रेस के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग, आप पार्टी के लोग पूरे देश भर में जनता के अंदर एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अधिनियम में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीनी जाएगी। हमारे जो मुस्लिम भाई जिनको विशेष रूप से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस अधिनियम से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। और यही नहीं है, अन्य जो लोग जिन्हें पहले नागरिकता इस देश की जिस प्रकार से दी जा रही थी, आगे भी इसी प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, उससे किसी प्रकार का इसमें किसी प्रकार की जो है कमी नहीं आएगी। लेकिन इस अधिनियम के तहत ये निर्णय लिया गया है कि जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ का राजधर्म इस्लाम है और ये लोग यहाँ अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को इस अधिनियम के तहत नागरिकता देने का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें इस बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है, जो इस देश का नागरिक है, उसको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता इस अधिनियम के बनने के बाद नहीं जाएगी। कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे सोलन की ऐसी खबर की और जिसमें पुलिस ने नशे के काले कारोबारी को पहुंचाया है उसकी सही जगह, यानी सलाखों के पीछे। आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।